हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये वाला बताऊंगी कि ये मैंने कैसे बनाया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में सीधा सीधा कितना प्यारा लग रहा है ऐसे बनाया हुआ। तो किसी ने मुझे ये बताया, पूछा ये मैंने कैसे बनाया, तो इसलिए मैं इस पे वीडियो बना रही हूँ। आप देख रहे हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये हमारी बटन पट्टी के लिए है, तो मैंने इस पे बनाया टोपी पे, तो ये हमारी बटन पट्टी बन सकती है। तो हम कैसे, मैं आपको बना के बताती हूँ। मैंने कहा ये फंदे लिए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे मैंने बनाया है। पहला फंदा हम ऐसे ही उठा लेंगे, दूसरे को भी ऐसे ही उठा लेंगे। जैसे हम उल्टा बुनते हैं वैसे ही हमने इन फंदों को उठा लेना है। इन दोनों फंदों को उठाने के बाद धागा अपनी तरफ करके फिर पांच फंदे उल्टे बुन लेंगे हम। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये मैंने सात बटन पट्टी के लिए रखे हैं फंदे, सात। फिर धागा हम दूसरी तरफ कर लेंगे, फिर ऐसे ही से जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे ही स्लिप कर लेंगे ऐसे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके फिर हम बॉर्डर बना लेंगे, एक उल्टा एक सीधे का। लास्ट का फंदा हमारा सीधा बुना था, तो उल्टी साइड में हम इसे उल्टा बुनेंगे। हम बॉर्डर हम जैसे बनाते हैं वैसे बॉर्डर बना लें, फिर यहाँ पे सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा। और जो ये फंदा हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात ये फंदा हमने स्लिप किया था, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। जो ये आठ फंदे हैं हम इसे उल्टे बुन लेंगे। सात हमारे बटन पट्टी के, एक हमने स्लिप किया था, आठ फंदों को उल्टा बुन लेंगे। जो ये दो फंदे हमने स्लिप किए थे इन्हें भी उल्टा बुन लेंगे। अब फिर हम सीधी साइड पे आ गए हैं, तो पहले फंदे को हम उठा लेंगे, ऐसे स्लिप कर लिया, और दूसरे को भी ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, पांच फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। आप बटन पट्टी आठ नौ कितनी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। मैंने एक बार सात फंदों की रखी है बटन पट्टी, दो तीन चार और ये पाँच। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हमारे सात बटन पट्टी के हो गए। धागा दूसरी तरफ कर लेंगे, एक फंदा हम स्लिप कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके वैसे ही हम बॉर्डर बना लेंगे जैसे मैंने बना रही थी। तो ये पूरी आपको रो बनाकर फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब हमने ये, मैंने यहाँ तक बॉर्डर ये बना लिया। अब ये आठ फंदे हमारे, इस फंदे को हमने स्लिप किया था, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब इन आठ फंदों को हम उल्टा बुनते जाएंगे।
दो, तीन, ये चार, ये पाँच, छः, ये सात, ये दो हमने स्लिप किए थे शुरू शुरू में, इन दोनों को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा अब देखते हैं बॉर्डर बनना शुरू हो गया है, ये जैसे मैंने बनाया था। अब उसके बाद फिर मैं आगे बता रही हूँ आपको, फिर हम दो फंदों को स्लिप कर लेंगे। पहले दो फंदों को स्लिप कर लिया, उसके बाद फिर पांच फंदे हम उल्टा बुन लेंगे। एक, दो, ये तीन, चार और ये पांच। फिर धागे को दूसरी तरफ कर लेंगे। ये फंदा हम स्लिप करते जा रहे हैं, ये सीधा बना हुआ है, आप देख सकते हैं, इसे ऐसे स्लिप कर लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर एक उल्टा एक सीधा। तो ये मैं आपको पूरी रो बना के ऐसे बता देती हूँ। तो यहाँ तक मैंने ये बुन लिया है। अब ये आठ फंदे हमने, जो ये फंदा आठवां फंदा स्लिप किया था, इसे भी हम सीधा बुन लेंगे, उल्टा बुन लेंगे, और बाकी सात फंदों को भी उल्टा बुन लेंगे। और ये दो हमने स्लिप किए थे, इन्हें भी उल्टा बुन लेंगे। उसके हमने ये हमारा ऐसे बॉर्डर बन गया, आप देख रहे हैं इस साइड में भी, ये देखिए ऐसे बन गया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बनाकर यहाँ पे जो मैंने बॉर्डर बनाया है, यहाँ मैं सीधी सिलाई निकाल कर तो उल्टी सिलाई निकाल के आपको बताती हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि कितना प्यारा लग रहा है ऐसे बना हुआ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऐसे बनेगा, ये हमने बॉर्डर बना लिया, ये बटन पट्टी है, और ये यहाँ पे कोई भी आप डिजाइन डाल सकते हैं, मैंने एक बार सिंपल आपको बताया है। तो ऐसे बनेगा, ये देख लें, तो साइड साइड से भी ऐसे ही देखें आप, ये चैन बनी हुई है ऐसे आप देखें, और इस साइड में भी ये चैन बनी हुई है। तो ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये मैंने होल बनाया है बटन के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।